रहमान रहीम बेहद तारीफ़ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए और बेहद सलात वसलाम आकाले सलात वसलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, अस्हाब पर, अजवाज पर, अहबाब पर। हाज़रीन महफिल याराने तरीकत ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज इस रोज़े का तीसरी नशस्त में अता फ़रमाई। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। अल्लाह पाक की सब कुदरतें हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक के तसद्दुक आज यहाँ बैठे हैं। अल्लाह का ज़िक्र है और उसके प्यार का ज़िक्र है और उसका प्यार जहाँ जहाँ तक फैला उन जगहों का ज़िक्र है। पहले दिन भी बुखारी शरीफ का दर्स था, फिर कल जुनाबे अहले बैत अतहार की शान में कोशिश की नाचीज़ ने कुछ उसका बयान हो सके, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है अहले बैत का कि 1500 साल से जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं और ख़त्म नहीं हुए, बिल्कुल सेम इसी तरह ये फैज़ान मुस्तफ़ा है अहले बैत को कि 1500 साल से हुब्बे अहले बैत पे दरूस जारी हैं, लेक्चर्स जारी हैं, खिताबात हो रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सिरा अभी तक सामने नहीं आया। उसकी वजह यह है कि अहले बैत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हैं, तो ये जब आका का प्यार हैं तो जब आका का कोई सिरा नहीं तो फिर उनके प्यार का क्या सिला होगा। जब आका का कोई सिरा ना मिल सका हद का, उनकी अजमत का, बिलाखर का किसी ने तंग आके के बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो जब उनकी हद का कोई सिरा नहीं मिला तो उनके प्यार का सिरा कैसे मिले। अब उनसे अहले बैत से जिन लोगों ने प्यार किया, अब आज उनका जिक्र होगा। पहले हजूर सल्लम की तालीमात बुखारी शरीफ के अंदर जो थी उस पर दर्स हुआ, उस तालीमात से आगे फिर दीगर अहादीस की रोशनी में वो भी तालीमात मुस्तफ़ा थी, आपकी आल का जिक्र हुआ और आज उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अहले बैत अतहार से मोहब्बत की, आज उनका जिक्र है। अल्लाह ने उनको भी खाली नहीं छोड़ा जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के प्यारे घराने से अपनी निस्बत को जोड़ा। तसव्वुफ क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कि शरीयत पे इंतहाई अमल कर लेने के बाद रूह शरीयत जो है वो तरीकत है। तरीकत में कामयाब अमल करने के बाद रूह तरीकत जो है वो हकीकत है, हकीकत की दुनिया। हकीकत पे मुकम्मल दस्तरस हासिल और कामयाबी हासिल कर लेने के बाद रूह हकीकत जो है वो मारफत है। अब क्या पता चला कि शरीयत एक घर है, उस घर का एक घर तरीकत है और उस तरीकत का एक घर हकीकत है और तरीकत के घर का एक घर मारफत है। शरीयत क्या है, आका अलैहिस्सलाम का किरदार, आपका लाइफस्टाइल, आपका चाल चलन, आपका तर्ज हयात, आपका बनाया हुआ मुकम्मल इस हयात जाहिरी के लिए फार्मूला, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, उसमें इबादात को सिर्फ पकड़ लिया कि यही दीन है, यही इस्लाम है, नहीं, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दीगर तर्ज हयात शामिल हो तो फिर इस्लाम मुकम्मल होता है। इबादत तो एक चैप्टर है, शरीयत क्या है, यह भी आका अलैहिस्सलाम की तर्ज हयात है। अब उस तर्ज हयात में जब कोई चला तो उसकी वो हयात जिससे उसने वो तर्ज हयात मुस्तफा शुरू की थी, उससे जो पहली उसकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी या वही रहेगी। साफ जाहिर है वो बदल जाएगी, क्योंकि अब तर्ज जो है तर्ज मोहम्मदी आ गई है। जब तर्ज मोहम्मदी आ गई तो पहली जिंदगी जो ही बदली तो कमाल शरीयत का हुआ कि शरीयत ने उसे बदला, दीन ने बदला, शरीयत ने बदला। शरीयत ने जब बदला तो उसका बदला ये दिया आम बंदों में और उसमें तख्सीस हो गई कि ये आम है और ये वो है जिस पे शरीयत मुजय्यन है, चमक रही है और अपना असर दिखा रही है कि इससे अब इसको शाने तरीकत पर फायज कर दिया गया है।
बात बड़ी समझने वाली है। अक्सर लोग सवाल करते हैं शरीयत और तरीकत, ये और है तो वो और है, ये और कुछ भी नहीं है, एक ही एक हर तरफ। जैसे तौहीद और रसालत का मसला बनाया है, रसालत माना कोई पहुंची हुई चीज, रसूल भेजा हुआ कहां से, अल्लाह से, अल्लाह से लेके क्या आया, तौहीद। तो तौहीद लाने वाला साहिब तौहीद, फनाफित तौहीद। तो जब वो खुद फनाफित तौहीद है तो फिर उसका पैगाम भी तौहीद है, उसकी रूह भी तौहीद है, उसका कल्ब भी तौहीद है, उसका सिर भी तौहीद है, खफी अखवा भी तौहीद है, अना भी तौहीद है, वो सारा तौहीद है। फर्क इतना है कि ये रहा अब्द है लेकिन वो माबूद है, ये जरूर है। इसी तरीके से आपके बताए हुए लाइफ स्टाइल को अपनाया, कवानीन हयात आपसे लिए, साहिब शरीयत आका अलैहिस्सलाम से शरीयत की चाशनी मिल गई। जब वो मिली तो आम बंदे और उसमें फर्क हुआ कि शरीयत ने उसको तरीका अता कर दिया। शरीयत एक तरीका था, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाया, उसकी तरफ चल के आया। जब उस बस्ती के अंदर दाखिल हुआ तो शरीयत ने दाखिल कर दिया, अब उसके आगे है तरीका। तरीका किस चीज का तरीका, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ खींच के वो ले आई शरीयत। अब तरीकत तरीका सिखा रही है मोहब्बत के हसूल का। जब तरीकत तरीका सिखा देती है, तरीकत तरीका एक ही चीज है, मेथड ऑफ लव, जब ये सिखा देगी तो फिर उस वक्त ये तरीकत भी खत्म हो जाएगी, फिर वहां से आप दुनियाए हकीकत में कदम रख लेंगे। जब शरीयत ने तरीकत तक पहुंचाया, तरीका दे दिया, अब शरीयत की ये फॉर्म चेंज होकर तरीकत, शरीयत तरीकत बन गई। अब इस तरीकत जब आ गया, तरीका अल्लाह की मोहब्बत की बस्ती में दाखला मिल गया, यानी दुनियाए हकीकत में एडमिशन और दाखला हो गया, तो अब ये हो गया शरीयत हकीकत। शरीयत हकीकत जब इसमें हम चलते रहे, फिर शरीयत ने रहनुमाई की और हकीकत से जब हम पूरे उसमें जम हो गए, उसमें हम महव हो गए, खुद माब हो गए, उसमें फना हो गए हकीकत में, तो वहां से हमें फिर मिल गई पहचान यानी मारिफत। तो फिर हमें क्या मिल गई, शरीयत मारिफत। अब शरीयत ने चौथा घर अपना असल जो रूह शरीयत थी वो हमें अता कर दिया, वो है मारिफत। यह है इस्लाम, ये मैं टोटल इस्लाम बयान कर रहा हूं जो असल इस्लाम है और जिसको उरफा ने और उलमाए हक ने तस्दीक किया है। बाद में आने वालों ने जिसको अलग अलग किया, ये इनकी अपनी मर्जी है, इसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। इस्लाम तो वो था कि हजूर सलाम तशरीफ लाए तो देखने वालों ने कहा तलाल बदरो अलैना, हम पे कि चांद रोशन हो गया है, और साथ अपने एक रिदम और थाप के साथ इस्तकबाल किया, ये भी इस्लाम था। फिर पूछा कि ये शादी है, कुछ इसके साज और सरूद वालियां कोई हैं, कहा हजूर वो तो कहा सुनो, ये भी कहा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, आपने लिखा है। अब बात ये है कि इतने इतने उलमा जिन्होंने इंतहाई मेहनत शाका के साथ इस्लाम पे मुकम्मल एक तहकीक की रात दिन, और तमाम मुसलमानों ने उनको माना। आज का आने वाला एक न्यू मुस्लिम जिसका कोई गुज़श्ता से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो अगर किसी को डिनाय कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो तुम लोग इतने सादे हो, तुम ये देखो कि जब वो किसी को नहीं मान रहा जो कि जिन्होंने जिनका लोहा मनाया गया, जिनको खुदा ने एक बहुत बड़ा इम्तियाजी निशान बख्शा, जिनको अल्लाह ने बड़ा शर्फ दिया, जब ये उनको नहीं मान रहा तो ये कहां की मलामत है, हम तुझे नहीं मानते। उसका कौल मोतबार ही नहीं। कौल मोतबार उसका होता है जो गुज़श्ता से पैवस्ता हो, जिसकी सनद पीछे से आ रही हो, जद्द अमजद के अलावा भी पीछे जो एक तवातर तसलसल सहाबा से अहले बैत से होते हुए हजूर सल्लम तक जा रहा है, उलमाए हक की सनद जो चलती है, उन असनाद में से जो निकल के आए, उसकी बात महक्किक है और वो महक्किक है, वो बात एक मुसद्दक तस्दीक शुदा है, गारंटेड है। बाकी एक नया आदमी को उठ के अगर कोई बात करे तो जब वो तमाम अथेंटिक आर्गुमेंट्स को रद्द कर रहा है
तो तुम एक जैली किसी मुल्ला को उसको फॉलो तुम क्यों कर रहे हो? जब वो नहीं मानता तो तुमको हम तुम्हें नहीं मानते, तेरी रवायत की क्या बात है? हम तो उनको मानते हैं जिनकी कोई बात है। 1500 साल से सारे मुसलमान जिनको फॉलो कर रहे हैं, क्या आप 1441 हिजरी है, 1441 साल में कमोबेश 14 कर लें, 1350 साल थोड़े हैं, कर लें अगर 100 साल निकाल भी दो, है नहीं इतना वैसे, 1400 साल तो कम से कम है ही, तो अगर इतना आप निकाल भी दें तो 1400 साल से जो एक निजाम इतने तो अरसा चला आ रहा है, इसमें किसी का इतना अकल नहीं था कि वो कुरान को समझ सके, माजल्ला हदीस को समझ सके। तो नया कोई भी बंदा उठे, नया कोई भी मजहब उठे, नया कोई भी तरीका उठे, चाहे वो तसव्वुफ के नाम पे आए, चाहे वो शरीयत के नाम पे आए, चूंकि इन्होंने अब अलग अलग जो कर दिया, हालांकि बात तो एक ही है, तसव्वुफ ही इस्लाम है, इस्लाम ही तसव्वुफ है, तसव्वुफ सारे का सारा कुरान है और कुरान में सारा तसव्वुफ बयान है, तसव्वुफ कोई अलग चीज नहीं है। सूफी किसे मुराद ये थी कि वो सूफ यानी अलग एक कपड़ा पहन के अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ करते थे, उनका काम ही रात दिन तबलीग दीन था, और वो तबलीग दीन क्या थी, वो मोहब्बत के साथ तबलीग करते थे, ये फर्क था, एक तरफ तशदीद थी शिद्दत के साथ और एक तरफ थी मोहब्बत, वो मोहब्बत के साथ, उनको कहते थे ये सूफिया कराम है। मामला सारा कुरान का ही उन्होंने भी पेश किया, तबलीग का, हदीस का, और इन्होंने भी वो किया, और शर्फ उनको इसलिए हासिल हुआ कि ये वो लोग थे जो बताते थे, वो रात को देख भी लेते थे, जो बताते थे मेरे आका तस्दीक भी कर दे। अब इस पे उलमाए मुतकद्दमीन सारे मुत्तफिक हैं, चाहे उनका तलक देवबंद से है, चाहे तलक उनका बरेलवी हजरात से है, यानी अहले सुन्ना की दोनों जो शाखे हैं, तमाम इनके मुतकद्दमीन जो उलमाए हक गुजरे हैं वो सारे इन बातों पे मुत्तफिक हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब बाद में आने वाले जो गैर मुकल्लिदीन हैं, जो अपना हर कोई उठ के, मसलन बिलाल शाह ने एक अपना मसलक, अपना एक मजहब निकाल लिया कि ठीक है जो मैंने कुरान को समझ लिया और कोई नहीं जानता, डॉक्टर शहबाज साहब ने कहा कि नहीं जो मैं जानता हूं, तो बताइए कि जो 1500 साल 1400 साल पहले लोग आए हैं वो सारे पागल थे माजल्ला? इतने इतने अल्लाह के वली, अब्दाल, औताद, कुतब, गौस, गौसुल आजम, निगाह से मुर्दों को जला देने वाले, उठा देने वाले, चला देने वाले, जिंदगियां अता करता था अल्लाह, उनके उनके प्यार से जिंदगियां मिलती थी, माजल्ला क्या वो सारे गलत हैं? मेरे आका ने कहा आखिरी वक्त की एक निशानी याद रखो, ऐसे कमबख्त और कमीने लोग होंगे अपने गुजरे हुए बुजुर्गों पर एतराज करेंगे, उनको गलत कहेंगे गरचे वो खुद गलत होंगे। शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलामाते कयामत के अंदर ये बात लिख के गए हैं, उनको सारे उलमा मुत्तफ़िक़ीन अलैह मानते हैं, हमारे बरेलवी और देवबंदी दोनों, वो दोनों मानते हैं उनको कि वो उन्होंने अलामाते कयामत के अंदर लिखा, वो जाके आप पढ़ लें, उन्होंने खुद कहा कि आका ने कहा, उन्होंने हदीस से लिखा कि ऐसे कमबख्त लोग आएंगे जो गुजरे हुए बुजुर्गों पे तानो तशनी करेंगे, वो खुद गलत होंगे। और आजकल आप देखें कि सारा कुछ यही हो रहा है, सारा कुछ यही हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक 1400 साल के बुजुर्गों की बात को काट रहा है, आप फौरन उसका रद्द करें कि हम तेरा नहीं, हम तेरा रद्द करते, हम तुझे नहीं मानते, भाई तेरी क्या दलील है, तू क्या शह है, हम तेरी बात नहीं मानते, हम उनकी मानते हैं जो 1400 साल से दीन में मस्त हैं और दीन को उन्होंने फैलाया, इस्लाम की शम में रोशन की, वो इस्लाम के रोशन मीनार हैं, हम उनको मानेंगे, वो नबी के प्यारे हैं, वो नबी का विरसा है, हम उन उलमा को मानेंगे और उन सूफिया और फुकरा और औलिया पाक को मानेंगे। तू नई एक चीज निकल आई है, बरामद कहां से आई है, इंपोर्टेड है, क्या बला है, मुसलमानों में तू तफरका डाल रहा है, हम तुझको नहीं मानते, कोई भी ऐसा हो, किसी का मैं नाम ही नहीं ले रहा, ये देखे ना एक नहीं कई निकल आए हैं, और आगे जो जो वक्त आएगा ऐसे कई निकलेंगे, क्योंकि पीर साहब ने आज से कुछ 40-50 साल पहले अपने जो है ना तस्दीक की हुई है कि जो, क्योंकि ये पता होता है अल्लाह के बंदों को, और उनके मुताले में भी ये बात थी, काफी अरसा देवबंद में रहे, काफी अरसा आला हजरत के पास रहे, पीर मीर अली शाह साहब और पता नहीं कितने तवक्कल शाह बालवी और पता नहीं वो बुजुर्ग आला तरीन हस्तियां जिनसे उनका नस्बत फैज है,
तो सब ने ये कहा हुआ था, पीर साहब ने सुना हुआ था, कुछ इनके अपने इल्का ऐसे थे, कुछ इन पे अल्लाह का ऐसा करम था कि जो उस वक्त भी उन्होंने कह दिया आज तक वो लोहे पे लकीर है। तो जनाब ने ये कहा था कि ऐसे नए नए मजहब निकलेंगे, नए नए बंदे आएंगे, उनकी बात नहीं है, जो पहले है ना, जो पहले गुजर गए उनकी बात सुनना, बल्कि वो कहते थे सन 1940 से पहले के जो है उनकी बात ज्यादा अथेंटिक है, 1940 के बाद की किसी की बात अथेंटिक नहीं है। बहुत कमाल की बात। आज हमें पता चलता है कि जनाब ये ऐसी बातें क्यों करते थे। आज मैं देखता हूँ इतने नए नए लोग निकल आए हैं कि गैर मुकल्लद हैं, चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद ही नहीं, बस आप कुरान पढ़ा अपना देख दो कि अब ये तो एक एक उसी कुरान से कई एक मसले मैं ऐसे निकाल देता हूँ और अपना एक वो बना लेता हूँ, फिर ये ठीक है, फिर कोई और कल कुरान से एक अपना एक और लाइन अलग कर ले, एक और कर ले। इमाम आज़म को सब के इमाम आज़म इसलिए कहा कि सारे उनके साथ मिल के चले हैं। लेकिन ठीक है, अनाबला हों, मालकी हों, शाफी हों, हनफी हों, हम्बली हों, चारों के चारों बरहक हैं, कोई रफा जदैन करे तब भी ठीक है, न करे तब भी ठीक है, हाथ खोल के पढ़े तब भी ठीक है इमाम मालिक के तहत, और जो हाथ बांध के पढ़े तब भी ठीक है, ये सारे तरीके ठीक हैं, ये चारों इमामों के हैं, ये चारों ठीक हैं। इसके अलावा अगर कोई कहे कि नहीं ये चारों के हट से मैं अपना कोई एक नए तहकीक पेश कर रहा हूं, तो वो उल्लू का पट्ठा है, उसकी बात कतन नहीं सुननी। बात समझ आई है? ये बड़ी खास बात थी, अगर तुम्हें समझ आई है लेडीज के लिए भी आपके लिए भी, इसको खास ज़हन में रखो कि जो तुम्हारे अकाबरीन का रद्द कर रहा है तुम उसे एक उल्लू का रद्द नहीं कर सकते, जो तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़ रहा है तुम उसको छोड़ो भाई, तू क्या है। खुदा बेड़ा चट करे ऐसे बेदीन लोगों का कि जिन्होंने इस्लाम में इतनी दरारें डाल रखी हैं, सब मुसलमानों को टोटे करके रख दिया है इन्होंने। अल्लाह आलम इस्लाम को मुतहद करे और हमारी इस तमाम इन ऐसे लोग जो सबको इकट्ठा करने वाले ऐसे इदारे, हमारी ऐसी कुव्वतें, उन पे करम करे कि वो एक ऐसी ज़रूर ताकत होनी चाहिए मुसलमानों की कि जो सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सिर्फ इस झंडे के नीचे इकट्ठा करे और इसी झंडे के नीचे लेके चले और उसमें इश्क नबी भी हो और इश्क खुदा भी हो, फिर कामयाबी मुमकिन है। तो मैं क्या कह रहा था कि शरीयत और तरीकत अलग नहीं है। शरीयत पहला घर, शरीयत का अगला घर तरीकत, शरीयत का अगला घर हकीकत और शरीयत का अगला घर ही मार्फत, यानी शरीयत मार्फत। अब जब मकामे मार्फत पे पहुंचे तो हो गई पहचान, जब पहचान हो गई तो एक हदीस मुझे याद आ रही है सुल्तान अबू रहमतुल्लाह अलैह ने रकम की, अल्लाह का बहुत प्यारा वली बल्कि आरफों का बादशाह सुल्तानुल आरिफीन, आरफों का बादशाह सुल्तानुल आरिफीन, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा हदीस कुदसी में कि मन तलबनी वजदनी, जो मेरी तलब करेगा वो मुझे पा लेगा। अच्छा, जब वो पा लेगा, अब ये बात उसी तरफ आ गई, जब पा लेगा अब शरीयत पे चलना शुरू हुआ तो तलब हुई, वजदनी पा लिया तो तरीकत में चला गया। मन तलबनी वजदनी, अच्छा मन वजदनी आराफनी, जब पाएगा तो फिर वो मुझे पहचान लेगा, जब पहचान लेगा वो ही उस मार्फत पे पहुंचा। अब यहां तक शरीयत ले आई उसको कि तलब हुई शरीयत, पा लिया तरीकत, अब तरीकत से आगे कदम जब उसका गया तो वो हकीकत, उसने पहचान लिया तो वो मार्फत। मार्फत और हकीकत में एक माइनर फर्क है कि हकीकत की दुनिया में एंटर हुए और साथ ही पहचान होना शुरू हो जाती है। असल में तो नासूत जबरूत और मलकूत, नासूत मलकूत जबरूत, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो तीनों ये स्टेजेस ही बयान किए हैं। बहर इसको समझाने के लिए चार इसलिए करते हैं कि शरीयत से आगे तरीकत, तरीकत से आगे हकीकत और हकीकत से आगे मार्फत। हालांकि जब हकीकत की दुनिया में आते हैं तो गोया वो पहचान शुरू हो जाती है। तो मन तलबनी, जिसने तलब की राह शरीयत अख्तियार कर ली, वजदनी उसने पा लिया तरीकत पे पहुंच गया, और मन वजदनी आराफनी उसको मार्फत हासिल हो गई, उसे पहचानना शुरू हो गया। मन आराफनी हब्बनी, फिर उसने इश्क करना शुरू कर दिया मुझसे, वो इश्क करता है। ये बहुत एक पते की बात है, अल्लाह की मोहब्बत की बात है। ऐ बंदे तू अल्लाह को पा सकता है, यहाँ तू रब को तलाश करने आया है, मेरा काम है कि पता दे देना, आगे हिम्मत तेरी है, इंशाल्लाह फिर
तौफीक अल्लाह की है और नजर पाक रसूलुल्लाह की है और हर वक्त दुआ इस नाचीज की है। मेरा जो काम है मैं अपना पूरा कर रहा हूँ, या आए किस लिए हो? अल्लाह के लिए। तो वो हदीस क्या बयान कर रही है कि मन तलबनी, अल्लाह कहता है जो मुझे तलब करेगा वजदनी वो पा लेगा। गोया पहली खुशखबरी आपको मिली कि तुमने अगर तलब सच्ची रखी तो तुमने अल्लाह को पाना है, और जब पा लोगे फिर क्या अगला मकाम क्या आता है? अल्लाह कहता है आराफनी, वो फिर पहचानता है, जो ही पहचानता है अहब्बनी वो मोहब्बत करना शुरू कर देता है, और मन हब्बनी अशकनी जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है तो इश्क करना शुरू हो जाता है। जब इश्क इंतहा मन अशकनी फकतलता हूँ, जब वो इश्क अरूज पे पहुंचता है तो मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। कत्ल से मुराद कि वो अपनी जात से फना हो जाता है और अपनी जात में ही बका मेरी शक्ल में पा लेता है। फकतलता हूँ और मन कतलता हूँ, जिसको मैं कत्ल करूँ वो वाली दैयत हूँ, उसकी मुझ पे दैयत है, और उसकी दैयत क्या है? वह आना दैयत हूँ और उसको मैं बतौर दैयत मिल जाता। तो शरीयत ने हमें कहां से लिया और कहां तक पहुंचाया? जब दैयत के तौर पे अल्लाह मिल गया तो वो है शरीयत मोहम्मदी सल्लम का आखिरी स्टेज, और उधर वो मकामे कल्ब से होता हुआ, सिर और खफी अख्फा से होता हुआ, रूह से होता हुआ मकामे अना पे जा पहुंचा। वह अना दैयत हो, वो मकामे अना पे ये जो सातों लताइफ हैं अंदर, वो ये जाके उसका चमक गया। उसने जाके वो उसके बाद उला शरीक की मार्फत को यूं पाया कि खुद ख़त्म हुआ और उसकी जगह दैयत के तौर पे नूर इलाही उसका मुकद्दर बन गया। सुल्तान साहब ने इस हदीस को यूं बयान किया है, कमा को बहुत ज़बरदस्त ये हदीस है। अब मैं इसकी वजाहत में लग गया तो ये सारा टॉपिक रह जाएगा, समझाने की खातिर मैंने हल्का सा ये टच दिया है कि शरीयत और तरीकत क्या है और शरीयत हमें लेके कहां तक जाती है कि बिल आखिर अल्लाह नसीब होता है तो वो शरीयत मुस्तफा से होता है। फिर वो कहेंगे शरीयत में ये क्या तो वो क्या, तो ये हारमोनियम है तो वो तबला है तो ये तो वो, ये फिर उस तरफ चले जाएंगे। बात ये है कि जब तक इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता तो शरीयत कहती है न सुन, दूर रह, और जब अंदर जौक और शौक और इश्क इलाही पैदा हो जाए, महबूब का नगमा सुनने को दिल करे, तो फिर उस वक़्त अशारे मोहब्बत महबूब, उस महबूब ज़ात जल्ला शानहू के मुतल्लक तो सुन सकता है, कुरान पढ़ के नवाफल पढ़ के कुर्ब पा सकता है। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे तो सहाबा आपकी नात पढ़ रहे थे, तो सहाबा बेहतर कुरान पढ़ते थे, बेहतर नवाफल पढ़ते थे, लेकिन जब ज़ौके महबूब आता था तो फिर नात भी पढ़ते थे, तो फिर अशार भी पढ़े जा सकते हैं। जब अशार में एक रिदम आए तो वो रिदम चाहे हाथ से आए, चाहे दफ़ से आए, चाहे जिस चीज़ से भी आए, इसमें सूफियाए कराम कहते हैं कि फिर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर ये म्यूज़िक और मौसीकी अल्लाह के लिए है तो फिर सुनना और है, और अगर ये मौसीकी और म्यूज़िक किसी और गर्ज़ो गायद के लिए है तो फिर सुनना और है। मौसीकी वही रहेगी, सुनने वाले पे डिपेंड करेगा कि आया सुनने वाला किस लिहाज से सुन रहा है, वो बाहर के लिए सुन रहा है या अंदर के लिए सुन रहा है, ये फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मसलन कोई एक शेर ही ले लो, किसी एक शेर को आप गलत रंग दे सकते हो, किसी एक शेर को तुम अच्छा रंग दे सकते हो। डॉक्टर साहब ने गज़ल पढ़ी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप और तुम घना साया, तुमको देखा कि जब तालबे हक उसके नूर इबादत का मजा चखता है, तुमको देखा तुम ये ख्याल आया जब वो मजा चखा, तो ये ख्याल आया कि जिंदगी मेरी जो गुजरी है पीछे अलाइशों में, गुनाहों में, तबाहियों में, वीरानियों में, खराब खानों में, वो सारी की सारी धूप में जल गई है, वो सारी की सारी धूप है। ए यार तेरा जिक्र का साया तो असल साया है, तेरा साया तो साया है, मैंने तो सब कुछ गंवाया है, जिंदगी धूप और तू घना साया, ए मेरे माही ए मेरे साजन, साया तो तू है, जिसको मैंने पाया है वो तो सब धूप थी। अब ये गाने और लिखने जिसने लिखा किसी के लिए लिखा, और वो ना साया है ना कुछ है ना कहाँ है, और ये
एक रमक जिसने देखी है ना इश्क इलाही की, एक झलक, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो एक रमक कभी कम ही नहीं पड़ती। एक ड्रॉप शराबे मार्फते हक का सारी जिंदगी कम नहीं पड़ता, एक एक कतरा, एक ड्रॉप। तो अब ये जो शेर है ये कहां लगा? जहां लगना था वहां लगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना सा। और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह फुर्सत दे तो आका की जब ज़ियारत हो तो सामने हाथ जोड़ के ये कहा जाए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आय हाय हाय, सारी जिंदगी इस तरह गुजार के आका तेरे कदमों में पहुंचे हैं कि जिंदगी धूप थी और अब मिला है घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं तो कहता हूँ जब ज़ियारत पाक हो तो इतनी फुर्सत मिले कि सामने खड़ा हो के ये कहे, तो मेरे लिए मेराज से कम नहीं है। जाहिल तू मौसीकी को क्या समझ, अपनी नियति को देख, नियत दुरुस्त है, नियत दुरुस्त है तो फिर अमीर खुसरो को देख। और निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा था मैं जा रहा हूं खुसरो नहीं रहेगा, वही बात हुई कुछ ही महीनों डेढ़ के बाद गए खुसरो भी। और कौन खुसरो? मोहम्मद शम्मे महफिल बूद अंदर ला मकान खुसरो, खुदा खुद मीर मजलस बूद अंदर ला मका खिसरो, मोहम्मद शम में महफल बूद शब जाए के मन बूद, वो खिसरो। और राजगोपाल को सात सुर मिला के इस मौसीकी में शिकस्त देने वाला खुसरो, और आश के महबूब इलाही खुसरो, और अल्लाह का वली खुसरो। अब बात हम उनकी माने 500-600 साल पहले गुजरी हुई, आलम हक आलम रब्बानी अहले इलम वो समझते थे मौसीकी क्या है। अपनी नियत ही ठीक कर, मौसीकी ठीक है, नियत को सही कर। शरीयत और तरीकत की मैं बात कर रहा था, इस तरह से मैंने इसको आपको समझा दिया कि तरीकत ही शरीयत है, शरीयत ही तरीकत है, और शरीयत और तरीकत मिक्स हुई तो फिर यही मोहब्बत है, और मोहब्बत ही शरीयत है, मोहब्बत ही शरीयत। ला ईमान अले मन ला मोहब्बत अलहु, अगर उसका ईमान मोहब्बत नहीं है तो ना दीन है ना ईमान है, तो फिर पता चला असल मोहब्बत हो। ला जो मनवादुकुम हत्ता कुन हब्बल है, कि तुम में से कोई साहिब ईमान ही नहीं जब तक मेरी मोहब्बत में फना ना हो जाए, ना उसको माँ नजर आए, ना बाप नजर आए, ना कोई दुनिया में और नजर आए, सिर्फ और सिर्फ नजर आए तो प्यारा आका नजर आए, पता चला दीन ईमान सब कुछ है ही मोहब्बत। तो इस्लाम क्या है? मोहब्बत। इस्लाम में क्या है? पीस। इस्लाम के लफ्ज़ी माना क्या है? पीस, सलामती। सलामती मोहब्बत में होती है, नफरत में नहीं होती। कहते हैं कुछ कानून सख्त हैं, वो सख्त इसलिए है कि कोई दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हारे किसी को कोई गोली मार दे कितना जुल्म होगा, इससे बड़ी कुछ ज्यादती है? और तुम क्या चाहोगे कि उसको फिर तुम्हारे साथ फिर तुम्हें भी मार दिया जाए? नहीं, फिर दीन कहता है कि नहीं, अल अनफ बिल अनफ अल उज़्न बिल उज़्न, खून का बदला खून, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, उतना सा उसको किया जाए ताकि और डर जाएं, ये हरकत करें नहीं। जब वो डर के ना करेंगे तो माशरे में सारा पीस रहेगा, सलामती और मोहब्बत की फिजा आम होगी। सख्ती इसलिए की गई है, ऐसे सख्ती थोड़ी है। वो तो है कि अगर वो तुम्हें कत्ल करे तो फिर तुम कत्ल करो, खुद किसी ने कत्ल नहीं किया इस्लाम में। जब इनको छेड़ा गया, इन पर जंग मुसलत की गई, करबला वाले भी तब लड़े, वो लड़ने नहीं गए थे। इस्लाम तो अमन और पीस और हारमोनी, इसका मोहब्बत का मजहब है, रिलीजन ऑफ लव है ये, इसमें कहाँ सख्ती है। फिर आजकल के अकाबरीन के मुतलक फिर मैं बात करता चलूँ कि ज़रा इस बात पे गौर किया करो कि आज कल क्या हो रहा है, कि मैंने पहले भी बयान किया कि तमाम जितने भी आमिल लोग हैं, आमिल लोग, आमिल सारे आमिल पीर लिखते हैं, हर हिसाब किताब करने वाला पीर लिखता है, जंतर मंतर दम छू करने वाला वो भी पीर है, तवीज धागा ये भी पीर है, कोई टोना टपाना करने वाला जादूगर वो भी पीर है, और एक और तमाशा
पंद्रह बीस तकरीरें कर लेना जो वो भी पीर है, पंद्रह बीस तकरीरें हो गई आप वो भी पीर है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब ऐसे पीरों का निज़ाम बन जाए तो फिर इकबाल का मैंने शेर पहले पढ़ा था फिर पढ़ता हूँ, खुदा बंदा ये तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, सुल्तानी भी अयारी है दरवेशी भी अयारी, सब अयारी अयारी मकारी, अजीब बीमारी है और इनकी मत मारी है। पीर का क्या माना है, थोड़ी सी डेफिनेशन ये सुन लो। वो कहता है कि हद गया हद गए सो औलिया, अनहद गया सो पीर, हद गए सो औलिया अनहद गया सो पीर, हद गए सो औलिया अनहद गए गया सो पीर, हद गए सो औलिया अनहद गए गया सो पीर, हद अनहद दोनों से जो गया वाह का नाम कबीर। तो पीर तो वो है जो हद तक रहे औलिया, तो हद को ऊपर जब वो हरीम नाज की तरफ जब बढ़े हैं तो वो हुआ पीर, और इससे भी जो आगे गया वाह का नाम कबीर। ये थे पीर। अल्लाह पाक सही राय हक और सही मसलक हक और सही मशरब तरीकत और असल पेयर मस्ती का जो उसका अपना सिलसिला है ना, तौहीद का, वहदानियत वहदत का, वो हमें अता करे। जहां भी उसकी वहदत टपकती है, जहां उसकी तौहीद टपकती है, जहां में तौहीद पिलाई जाती है, और जहां सीने में दिल और दिल की जो रूह है वो इश्के मुस्तफा से तड़पाई जाती है, वो है मशरबे हक तरीकत, मशरबे हक तरीकत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। ये एक किताब है, मैं आपको अब बताता हूँ कि अकाबरीन अहले सुन्नत के चाहे वो जिस मसलक में थे उन्होंने लिखा क्या है, और आज पीछे आने वालों ने क्या हशर कर दिया है इन चीज़ों का, कि हैरानगी और हैरत होती है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, कम अज़ कम अपने अकाबरीन को देख के चलें सारे लोग, तो फिर इतना फ़र्क नहीं है जो आजकल तमाशा बन चुका है। कम अज़ कम उम्मत मुसलमा यूं मुत्तहिद हो सकती है आज भी। अब ये किताब का नाम है बैत की ज़रूरत व फजीलत, बैत की ज़रूरत व फजीलत, लिखने वाले हैं मौलाना एहसान उल करीम साहब। ये अकोड़ा खटक जो है वहाँ से ये फारग़ तहसील है, मकतबा देवबंद के ये उलमा में से हैं और इनके सूफिया में से हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि सोबत शेख क्या चीज़ है। अब वो हवाला दे रहे हैं मुजद्दद पाक मुजद्दद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का। अब बात ज़रा गौर से सुनते जाओ। कहते हैं कामल व अकमल शेख की सोबत सुरख गंदक यानी कीमिया है, इनकी नज़र दवा और इनकी बातें सेहत है। बात ज़रा गौर से सुनते जाना, आजकल के इतराजात और इनकी कम इल्मी और इनका वो खाह मखा एक झूठे वहम में पड़ जाना कि कहीं कोई कुफर हो गया, कहीं कोई शिरक हो गया, कहीं कोई बिदत हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें शुरू से सारे उलमाए हक और सूफियाए हक करते आ रहे हैं, ये नई बात कोई नहीं है। समझ आ गई बात? बहुत मैं इजीली आसानी से समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाना मकसूद है, बात पहुँचाना मकसूद है। बाकी अल्लाह पाक जिसकी तकदीर में जो कुछ लिखा है वो होके रहता है। अशकी उफी बतन उम्मे ही, असईद उफी बतन उम्मे ही, बदबख्त और नेक बख्त तो माँ के पेट से जना जाता है। हमारी कोशिश ये है कि अपनी तदाबीर से मुस्तफ़ा की गली में ले आएँ, मुस्तफ़ा की चौखट तक ले आएँ। हम कोशिश ही कर सकते हैं, अल्लाह हमें भी बचाए आप लोगों का सदका और आप लोगों को बचाए हजूर का सदका, कि वो चौखट मुस्तफ़ा हमें नसीब हो जाए। कामिल व अकमल शेख की सोबत सुरख गंदक, ये सुरख गंदक क्यों कहा है इन्होंने कि गंदक जो है, अब ये एक केमिस्ट्री और कीमिया और हकीम जो कीमिया गर थे जो सोना बना लेते थे, ये उनका फार्मूला है कि अगर ये डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि गंदक अगर आयल जो है तेल अगर सुरख कोई निकाल ले तो वो बस फिर समझें कि सोना बना सकता है, लेकिन उसके लिए रात दिन थकते रहते हैं, सुरख तेल निकलता नहीं, जिसने जो निकाल ले वो सोना बना लेता है। ये हुक्मा के कौल के मुताबिक है, बाकी हमें इससे ज़्यादा फर्दर कोई इस टेक्नोलॉजी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्ट इस वजह से है कि एक हमारे हकीम
हमारी साइंस इतनी अरूज पे थी कि ये सोना बना लेते थे। और इसी जमन में आपको मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो मोहम्मद खान तिवाना साहब पीर साहब के खलीफा आते थे, अब उनका विसाल हो गया है, तो वो उन्होंने बताया, आप सब जानते हैं उनको, दस्तार बड़ी और बड़े आशिक अहले बैत और फनाफ शेख, वो फनाफ शेख बंदा था, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजे, फनाफ शेख बंदा था। उन्होंने बताया कि एक हकीम उनके साथ यहाँ पीर साहब के पास भी आया था, तो उन्होंने कहा कि सर्दी गर्मियों का मौसम था, पानी गर्म था, तो हम हकीम साहब ने कहा कोई बात नहीं, घड़ा ले आए। उन्होंने घड़े में एक कख अपनी शीशी में से निकाला और उस घड़े में फेंका, वो जो घड़ा था वो सारे का सारा बर्फ़ बन गया ठंडा, और घड़ा फिर हम उसको तोड़ा, उसको फिर हम उस बर्फ़ से पानी पीते रहे, और वो बर्फ़ भी जल्दी गलने वाली नहीं थी, शीशा बर्फ़ पक्की बन गई। हमारे हुकमा ने यहाँ तक हमारी साइंस, जो तिब्बे यूनानी की या ये क्या इसको कहते हैं वेदक या फिर सन्यास जो है, इसमें हमें इतनी तरक्की की हुई थी, हुआ यह कि नुस्खे वो पोशीदा रखते रहे, हद तक औलाद तक भी नहीं बताया, और फिर इस तरह हिकमत कमज़ोर पड़ गई, वरना हमारे ये टेक्नोलॉजी में बहुत मुसलमान आगे निकल गए थे। या जो हमारा खित्ता है ये पाको हिंद पूरे का पूरा, ये तिब में बहुत अरूज हासिल कर चुका है सबका। तो ये जो गंधक का तेल है ये भी वही लोग निकालते थे, अगर ये सुर्ख रंग का निकाल लेते थे तो फिर इसे सोना बन जाता था, जो भी उसको फिर उसका एक अमल करते थे तांबे पे, और तांबे से फिर आगे वो बनाते थे वल्ला आलम सवाब। तो वो कहते हैं कि शेख की सोबत ऐसी है कि ये सुर्ख तेल है, ये गंधक का सुर्ख तेल है, और ये बस ऐसे सोना बना देता है, ऐसे सिर्फ सोबत, सामने बैठना, रात दिन साथ चलना, देखना बैठना, जैसे देखना अक्स करना, अंदर समो लेना, मैं वो मगन हो जाना, फिर एक वक्त फनाफे शेख हो जाना। ये कीमिया है, ये सोना है। कौन लिख रहे हैं? मौलाना साहब। मैंने पहले आपको बताया कि मकतबे देवबंद से तल्लक है, अल्लाह पाक अगर वो फौत हो गए तो उन पे रहमत भेजे। बहुत आला बात कर गए, जो बात की है वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो कहते हैं उनकी नज़र दवा है और उनकी बातें सेहत है। अगली बात, पहले तो ये कही कि सुर्ख तेल है, सोना बनाएगा ही बनाएगा वो। दूसरी, नज़र उनकी जो है जब पड़ेगी तो जो बीमारियां दूर हो जाती हैं, कल्ब की बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, हर किस्म की, नज़र दवा है। और सोबत जो है हमेशा उसमें बहना, फिर सेहत ही सेहत है, उसके दीन की सेहत है, उसकी जिस्मानी सेहत है, उसके ईमान की सेहत है, उसकी मोहब्बत की सेहत है। ये किसने कहा? हज़रत मुजद्दद पाक अल-फ़िसानी ने कहा, लिखने वाले वो मौलवी साहब एहसानुल करीम साहब। तो मुजद्दद पाक ने कितनी ज़बरदस्त बात किया, मुजद्दद अल-फ़िसानी से अगर कोई इन्हराफ करता है तो फिर हमें उससे इन्हराफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसने हमारे मुजद्दद को अगर छोड़ा है तो तुम उस गंदे को छोड़ दो, आसान सी बात है। कितनी कमाल की बात कही है कि सोहबत, सिटिंग, नशिस्तें, जैसे आप बैठी हैं और ये बैठे, तो ये जो नशिस्तें हैं ये दवा भी हैं, सेहत भी हैं, और ये सोना भी है, ये कुंदन बना देती है, सोना बना देती है। फिर मौलाना करामत अली जौनपुरी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आलिम का सलूक उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता। सलूक ये सिल्क सलूक, तसव्वुफ ये रास्ता, कहते हैं कि किसी मौलवी का, अहल इलम का, आलम का सलूक, अल्लाह की कुर्बत मांगना, अल्लाह की कुर्ब का रास्ता, उसका सिलक सलूक उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक किसी नेक दोस्त या नसीहत करने वाले शेख की सोबत में न रहे। अब मुजद्दद पाक का वो कॉल भी आपने नशीन कर लिया, और मौलाना करामत अली जौनपुरी का भी कॉल आपने सुन लिया कि कोई अहले इलम हो जाए, फारिग तहसील हो जाए, जब तक किसी फकीर की नजर का कुश्ता नहीं बनता तब तक उसका मकसद पूरा ही नहीं होता, उसका सलूक, उसका सिलसिला, उसका तरीकत उसको हासिल ही नहीं होती। उसका तरीका है कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सुरवर्दी हो, वो उसको हासिल ही नहीं कर सकता, सारी उम्र चाहे टकरे मारता रहे। अब फिर आगे क्या लिखते हैं अब्दुल वहाब सकफी के, फिर हवाला देते हैं मौलाना एहसानुल करीम साहब अपनी किताब में, कि एक शख्स अगर तमाम अलूम जमा करे और मुख्तलिफ तबकात के लोगों की सोबत में रहे,
سارا علم بھی ہو اور بہت ساری صحبتیں بھی رکھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں، یعنی اہل علم کی صحبتیں تھیں وہ، پھر بھی اللہ کے خاص بندوں جیسے درجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک ایک کامل شیخ کی تربیت میں نہ رہا ہو اور مجاہدہ نہ کیا ہو. یعنی علم بھی پڑھا اور وہ بے شمار دیگر علماء کی صحبتیں بھی اٹینڈ کی، درس فلاں فلاں درس سارے سنے، نشستیں ساری کر لی علماء کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں کہ کسی کام کی نہیں جب تک کامل شیخ کی تربیت میں نہ آئے اور اس کا بتایا ہوا مجاہدہ نہ کرے، تب تک وہ نہیں پا سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں جن پہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ جی ان کو تصوف سے، اور کیا تصوف ہوتا ہے؟ تمہارا کون سا تصوف ہے؟ تمہاری کیا طاقت ہے؟ تم نے کیا روحانیت حاصل کر لی ہے؟ جو بات حق اور سچ ہے اس کو ماننا اور بیان کرنا بھی ضروری ہے. میں نے پہلے کہا تھا جو گستاخ رسول ہے، گستاخ اہل بیت، صحابہ ہے، اولیاء اللہ ہے، اس سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن ایک جو بات محبت کی آ رہی ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور اس بندے سے آ رہی ہے جو صاحب محبت ہو، جس نے میرے غوث پیا کے کرامات لکھی ہوں، جس نے اولیاء اللہ کی نظر کے کمالات لکھے ہوں، جس نے باطنی علوم اور باطنی درجات بیان کیے ہوں اور علم باطن پہ بحث کی ہو، اس کو تو بیان کرنا ضروری ہے. پھر آگے وہ حوالہ لکھتے ہیں شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ مرید کے لیے حکیم جیسے ہیں، جو مریض حکیم کی بات پر عمل نہیں کرتا اسے صحت حاصل نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کو حکیم کی مانت سمجھو، کہ جس سے اس نے پرہیز کا کہا ہے وہ پرہیز کرنی ہے، اور اس پہ جب تم عمل کرتے جاؤ گے حفظان صحت کے اصول جیسے، وہ بتائے گا اس طرح تمہیں صحت حاصل ہوگی، اس کے بغیر تمہیں صحت حاصل. یعنی کہ شیخ کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا دین کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں جب تک کہ صحبت اصل حاصل نہ ہو. مانا یہ نکل رہا ہے اس سے. بہت سارے لوگ بیعت سے انحراف کر جاتے ہیں. اب میں نے کہا غیر مقلد جو نئے جتنے بھی نکلے ہیں سب اسی طرح بیعت کی کوئی ضرورت ہے، وہ آگے پیچھے بکواس. تو یہ اتنے اعلیٰ ترین بزرگان دین، اللہ سے جو واصل ہوئے، اللہ کی طرف وصال یار ہوا، وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کبھی چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا، اور صاحب روحانیت بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سچا دیندار بھی نہیں ہو سکتا جب تک شیخ کامل کی نظر کا کشتہ نہ بنے، شیخ کامل کی نظر سے کشتہ نہ بنے. پھر آگے ابو العباس مراشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا حوالہ بیان کرتے ہیں، یہ مطالبہ مت کرو کہ تم شیخ کے دل میں رہو. اب سننے والی بات ہے، یہ مطالبہ مت کرو کہ تم شیخ کے دل میں رہو، بلکہ اپنے دل سے یہ مطالبہ کرو کہ شیخ تمہارے دل میں رہتا. مراشی ابو العباس مراشی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مطالبہ نہ کرو کہ تم شیخ کے دل میں جاؤ کے بیٹھو، بلکہ یہ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اے دل، تجھ میں میرا مرشد رہتا ہے، تجھ میں میرا مرشد رہتا ہے، میرا رہنما رہتا ہے. جس قدر تم اپنے شیخ کو دل میں جگہ دیتے ہو، شیخ بھی اتنی جگہ اپنے دل میں تمہارے لیے رکھے گا. جتنی تم جگہ دو گے اتنی وہ تمہیں اپنے دل میں جگہ دے گا. تو جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو دل بدستاور کے حج اکبر است، جب دل ہاتھ میں آ گیا تو بڑا حج تو یہ ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے وہ ایک دل بہتر ہے. کہ اس دل تک پہنچ گئے تو اور پھر کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے. پھر آگے اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالے سے وہ بات لکھتے ہیں کہ شیخ کی محبت بہت اچھی چیز ہے، بڑے بڑے مجاہدوں کے کام شیخ کی محبت سے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں روحانیت میں آنے کے بعد مجاہدہ بہت ضروری ہے. شیخ بڑے بڑے اس کو رگڑے لگا کے، اور جناب کہتے تھے چھنی سے چھان کے تو پھر عطا کرتا ہے. اور اشرف علی تھانی صاحب کہتے ہیں کہ جب شیخ کی محبت صحیح طرح دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر بڑے بڑے مجاہدوں سے جان جھوٹ جاتی ہے، محبت جوں جوں پیار ہوتی ہے، مجاہدے اتنے کم رہ جاتے ہیں اور اپنی جو منزل ہے اس سے وصال ہو جاتا ہے، وصال یار اس کو مل جاتا ہے.
तो मोहब्बत शेख पे अशरफ अली थानवी साहब का ये कौल बहुत लाखों दर्जे ऊंचा है। ये कि जहां मोहब्बत कहते हैं कि वहां मुजाहदात की भी जरूरत नहीं, अगर मोहब्बत खालस मिल जाए तो हर मुजाहदा उसके अंदर हेज हो जाता है, मोहब्बत उस तालब को लेके मकाम पर फायज करती है, कुर्बे इलाही उसको अता कर देती है। मोहब्बत शेख तो उनके करीब भी शेख का होना कितना जरूरी, और बैत का होना कितना जरूरी कि इसके बगैर इल्म भी हो अमल भी हो जो मर्जी हो कामिल हो नहीं सकता, कामिल नहीं हो सकता, हमेशा वो कभी इधर होगा कभी उधर होगा, मार खाता रहेगा जलील होता रहेगा, और जो बातनी गिरे लगती हैं कभी खुल नहीं सकती सिवाय मुर्शिद की पाक नजर से, उसकी तवज्जो वो गिरहें जो है बातनी वो खोल दे, वरना यह आसान बात नहीं है। दाता साहब कहते हैं 3 महीने में एक गिरा में अड़ा रहा, मुख्तलिफ मज़ारात पे मैंने चिलाकशी की, बिलाखिर एक मज़ार पे मैं गया, वहाँ के वो खा रहे थे रोटी, मैंने मांगी, उन्होंने कहा एक टुकड़ा पुराना सा मुझे ऐसे फेंक दिया, मैं पानी से धो के खाया, आप वो खरबूजा खा रहे थे तो छिलके मुझे मारे, सारी रात मैंने सब्र किया, मेरी मजाकें करते रहे, बस उसी रात में जो है मेरी गिरा खुल गई। तो ये आसान थोड़ा ही है। अशरफ अली थानवी साहब क्या कहते हैं कि मोहब्बत हो गई तो फिर मुजाहदे ख़त्म हो गए, फिर मुशाहदे शुरू हो गए। फिर आगे मौलाना साहब अपनी किताब में इमाम वो आगे फिर हवाला कोट करते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का, वो कहते हैं उन्होंने फरमाया कि हमने गुनाहों से छुटकारा चाहा तो चाश्त की नमाज में पाया, हमने रोशन कब्र की तलब की तो उसे तिलावत कुरान में पाया, हमने पुल सिरात से गुजरना तलब करना चाहा तो हमने उसे रोजे और सदके में पाया, और हमने अरश का साया तलब किया तो उसे सालहीन की सोबत में पाया। समझ आई बात कि गुनाहों का छुटकारा कहाँ है? नमाज चाश्त में। कब्र रोशन कहाँ है? कुरान की तिलावत। पुल सिरात से कैसे अच्छे गुजरें? रोजे रखें और सदका करें। और अर्श का साया कैसे मिले? सोबत साले, किसी फकीर की दरवेश की सोबत अर्श का साया अता करती है। इमाम शाफी लिख रहे हैं, मौलाना साहब अपनी किताब में हवाला दे रहे हैं। समझ आ गई बात कि वसीला क्या है, कि वसीला कितना होना चाहिए, किन का होना चाहिए, और वसीला करता क्या है, और कितना जरूरी है, और इसमें कितनी बरकात हैं। मैंने सोचा जब मैंने ये पढ़ा, मैंने सोचा कि अर्श का साया एक वली के मिलने से कैसे मिला। मुझे हदीस याद आई, कल्बुल मोमिन अर्शिल्लाह ताला, कि मोमिन का जो दिल है, फकीर का दिल है जो, वो अल्लाह का अर्श है। तो ऐसा फकीर मिल गया जिसका दिल अल्लाह का अर्श है, तो उसकी संगत में चला गया तो गोया रब के साए के नीचे आ गया, रब के साए के नीचे आ गया। तो बिल्कुल बात सच्ची गई इमाम शाफी ने कि जब मोमन का दिल ही अर्श इलाही है तो मोमन की संगत इख्तियार कर तो साया तो खुद बहुत पा लेगा। तुम समझ आ रही है बात? साया साया तो आज खुद मिलेगा, साया तो आज खुद मिलेगा। फिर हजरत हसन नूरी फरमाते हैं कि तसव्वुफ तमाम हफूज नफसानी के तर्क करने का नाम है। तसव्वुफ यानी नफसानी ख्वाहिशात जितनी भी हैं उनको तर्क कर दिया जाए। और सूफी वो लोग होते हैं जिनका दिल बशरियत की कदूरत से आज़ाद हो गया। सुनते जाना, बशरियत की गंदगी से निकल गया और नफसानी आफतों से साफ होकर इखलास से मिल गया, यहाँ तक कि गैर अल्लाह से बरी होकर वो सफ़े अव्वल और दर्जे औला में पहुंच जाते हैं। समझे? पता है आपको कौन लिख रहा है? ये लोग कहते हैं ना ये ऐसे हैं तो वैसे, आप ये बताओ। और हवाला किसका? हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का। मुस्तफ़ा जान, डॉक्टर शहबाज, आप जो कि खतीब लोग हैं, गौर करो ये कौन लिख रहा है और क्या इतनी अजीम बात वो लिख रहा है। इस ऐसे बंदे से कुछ हमारा इख्तिलाफ हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात हम भी करते हैं, यही बात वो भी करते हैं, ठीक है। ये हसन नूरी का हवाला देते हैं कि
तसव्वुफ तो तमाम नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना है और आगे चल के बशरियत से निकलना है। आ गई बात कलंदरी, अब कलंदरी बात आ रही है, बशरियत से आजाद होना है, नफसानी आप साफ होके इखलास से मिलना है। इखलास क्या है भाई? सच, सच, सच कौन है? एक रब सच है, बस रब सच है। बशरियत की कदूरों से जो निकला, नफ्स की पलीतियों से निकला, बशरियत से निकला, सब कदूरतें दूर हुई तो सच से मिल गया। जो सच क्या है? हक। हक कौन है? हमारा मौला ताला। तो जब उसकी मोहब्बत में मिल से मुराद यह है कि उसकी मोहब्बत का गिरफ्तार हो गया, जब उससे मिल गया तो फिर क्या होगा? यहां तक कि गैरुल्लाह से बरी हो गया, हर गैरुल्लाह से मास वल्ला उसका जल गया, बाकी कुछ नहीं बचा। अगर बच गया तो वादो ला शरीक बच गया। वो मालिक मौला मुख्तार कुल अल्लाह जब्बार सतार कहार वाहिद रहमान रहीम गफूर सतार कबीर, वो बच गया। जुल जलाल वल इकराम बच गया, गैरुल्लाह से जान छूट गई, सफ़े अव्वल और दर्जे औला में पहुंच जाते हैं। अब इसको पर्दे में बयान किया गया, बात वही है कि सफ़े अव्वल क्या है, पहले तो इखलास क्या है, फिर सफ़े अव्वल क्या है और दर्जे औला क्या है। गोया अल्लाह के वो बंदे जो इंतहाई करीब हैं अल्लाह के, उनकी सफ में पहुंच गया, एक माना ये है। और कलंदरी अगर इसकी तफसीर तशरीह बयान करूँ तो यह है कि जब उदो मिलया माही गल ला के कुली दे जदों कख उड़ गए, जब अपने इस बुत को उसने तोड़ दिया, ये जन्नार तोड़ दिया, ये बुत तोड़ दिया, मां सिवाल्ला से निकल गया तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो गया, सिर्फ अल्लाह के लिए हो गया। बस समझ आ गई, ये कलंदरी मशरब से निकल रहा है। ये बातें समझने वाली हैं और यही बातें मोहब्बत वाली हैं, और इससे मोहब्बत को जला मिलती है, रोशनी मिलती है। और जो लोग आप पे सवाल करते हैं उनके जवाब सारे इसमें हैं, और ये जवाब भी देवबंद के अकाबर उलमा से जो हैं उनकी तसानीफ में से हैं। इसमें किसी को फिर शक भी नहीं होना चाहिए, हम किसी को काफिर नहीं समझते। वो तो उसने कहा कि बन गए बुत परस्त हम सूरत यार देख कर, वो जब उस काले कमली वाले का जलवा नजर आया तो उस वक्त फिर हर चीज़ भूली और सारे तकाजे ख़त्म हुए और जिक्र बारी ताला शुरू हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। सामने मुखड़ा मुस्तफ़ा का था और लब पे जिक्र, जबां पे जिक्र, ये रब्बुल उला का था। सामने जलवा मुस्तफ़ा का था, जबां पे जिक्र खुदा का था। और अजीब हैरत की बात है कि देखते हम मुस्तफ़ा को हैं और जिक्र अल्लाह का करते हैं। जो सामने है, असूल तो यह है कि जिक्र उसका होना चाहिए, हुसन उसका बयान होना चाहिए, लेकिन हजूर कहते हैं कि जब तुम सुभान अल्लाह का होगे तो बस मेरा हक अदा हो गया। सामने वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम हजूर पुर नूर अलैहिस्सलात व तस्लीम, सामने जब वो नजर आए तो मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। सामने सरकार है और इधर जिक्र यार है। अब ये उन दोनों का आपस में कोई कारोबार है, जो इस तरह देख ले वो तो मस्तवार है। इतना ही मैं बयान कर सकता हूं। हजरत इब्ने जला फरमाते हैं कि अगर तू फकीर है तो तेरा फकर यह है कि तू कुछ ना हो। बात सुनते जाओ, फकर क्या है? कि तू कुछ ना हो, और अगर तेरा कुछ हो तो वो तेरा ना हो। कहते हैं जी कलंदरिया सिलसिला क्या है? ये कोई अलग सिलसिला नहीं, कलंदरिया नक्शबंदिया है, कलंदरिया चिश्तिया है, कलंदरिया सोहरवर्दिया है, कलंदरिया कादरिया है, जैसे हमारा कलंदरिया कादरिया है, कोई अलग सिलसिला नहीं है, एक मोहब्बत का सिलसिला है, बस कलंदरिया है, कुल अंदरिया। जो कुल को अंदर में देख ले उसकी अता करदा नजर से, और कुल जिसके अंदर आ जाए वो कलंदर है।
और कलंदर को समझने के लिए पहले कलम तक पहुंचना पड़ेगा, फिर दर मिलेगा। कलन मियां, पहले कलम तक, एक वली अल्लाह है, कलम तक पहुंचना पड़ेगा फिर दर मिलेगा। पहले कलम फिर दर, फिर पहले कलम फिर दर। पता चला कि पहले कोई वली मिले, वो तुम्हारी किस्मत भली करे, तुम्हारी जो मत है ये ठीक हो जाए, तुम्हारी नजर खुल जाए, फिर तुम्हें दर मिले। जब नजर खुल जाए, दर मिल जाए, फिर कलंदर समझ में आ जाता है। जब तक ये दोनों काम नहीं होते, सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें पढ़ लें, तुमने इंसान को नहीं समझा तो कलंदर को ख्वाब समझोगे? इंसान तुम्हारी समझ से दूर रहा इतना पढ़ने के बाद। मेरे गौस ने कहा था ना कि अल इंसान सिर्री व नसिरहू, अल्लाह ने कहा मुझे या गौसे आजम, ए जो तू बंदा है ना, ये जो तू इंसान है, ये तू मेरा राज है, मैं तेरा राज है। तो समझा तो मेरे गौस ने समझा। बड़ी बड़ी किताबी और किताबों वाले, बड़े बड़े किताबी कीड़े, बड़े बड़े किताबी कीड़े किताबों वाले नहीं समझ सके तो कलंदर को खाक समझेंगे? क्या कहते हैं कि अगर तू फकीर है तो तेरा फकर यह है कि तू कुछ ना हो, और अगर तेरा कुछ है तो वो तेरा ना हो। फरमाते हैं कि मैंने एक दरवेश को देखा कि वो ना कुछ खाता था और ना कुछ पीता था। जब मैंने उसका सबब पूछा तो कहने लगा, मैं एक तवील सफर करने के बाद जब मदीना शरीफ पहुंचा, हाय हाय, पैदल चलता चलता, सुभान, जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो मैंने हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके अर्ज की, सरकार मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। हालांकि साथ मस्जिद नबी थी, सरकार ने अल्लाह का घर बनाया हुआ था, लेकिन वो नबी के घर में पहुंचा। ये भी मौलाना एहसानुल करीम साहब ने वाक्या लिख के बहुत बड़ा काम किया। तो कहा, हजूर, अर्ज की कि मैं कई दिनों से भूखा हूं और आज आपका मेहमान हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे एक रोटी अता फरमाई, और जब मैं उठा तो निसफ रोटी मेरे हाथ में थी और एक लुकमा मेरे मुंह में भी था। अल्लाह अकबर। सुनते जो, मैं इसकी वजाहत अगर करूं तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, बाकी मैं देखता हूं फिर। अच्छा, मेरे मुंह में एक लुकमा था, रोटी आदि हाथ, मैंने वो सब खा ली। हाय हाय हाय, आँख खुलते हुए बाकी जो रोटी बच गई थी वो फिर मैंने खा ली। किसने दी? हजूर ने दी, क्योंकि मांगा जो हजूर से था तो दिया भी हजूर ने। अब क्या ये अल्लाह के इलम में था या नहीं था? था, लेकिन जब हजूर दे दें तो अल्लाह दे देता है। यही तो कहते हैं ना, जो वहां से हो वो भी वहां आके हो, जो वहां नहीं वो वहां नहीं। मैंने वो सब खा ली उस रोज से, उस रोज से आज तक 40 साल हो गए कि मुझे खाने और पीने की जरूरत ही नहीं रही। 40 साल हो गए, न खाया है न पिया है। फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला के मुशाहदे का ताम और मोहब्बत का जाम हजूर ने पिलाया हो, हाय 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 हाय, मुशाहदे का ताम, रोटी मुशाहदे की और मोहब्बत का जाम हजूर ने पिलाया हो, कि रात को मेरा रब मुझको खिलाता और पिलाता है। जिस तरह हजूर सल्लम को अल्लाह हजूर ने कहा ना कि रात को मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी, वो मुशाहदा और शराबे आग थी, और क्या था, रोटी मुशाहदे की थी और जाम मोहब्बत का था। मेरे हजूर पुर नूर वो ये इस्तेमाल करते थे, अब जो उनके फकीर हैं वो ऐसा करते हैं, हजूर ने उनको दे दिया वो ऐसा कर लेते हैं। जब जिक्र छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का, तो फिर उस वक्त भूख, फिर प्यास, फिर टाइम, ये नहीं रहते, भूख भी नहीं रहती। मुलाकात महबूब में ना ये तीन चीजें हैं, भूख नहीं रहती, प्यास नहीं रहती, टाइम नहीं रहता, तीनों गुजर जाते हैं। भाई मैं हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं, जो मजूबीन हैं, जो मजूब हैं,
मस्त हैं। हा वो खुद मिट गए अब हस्त हैं, उनकी ये हालत होती है। तुम्हें देखा तुम्हें चाहा, बस एक ही बात रही, तुम्हें चाहते हैं तुम्हें देखते हैं। क्या मोहब्बत भी अजीब चीज है। लिहाजा जिसको अल्लाह ताला खिलाता खिला दे पिला दे उसका क्या हाल होगा। यहाँ पे वाकया ये ख़त्म करते हैं। अब ये हुआ कि वो फ़कीर जो है उसने ज़बरदस्त बातें की कि एक तो वो अगर फ़कीर है तो तेरा फ़क्र ये है कि तू कुछ ना हो, तू कुछ ना हो, तू कुछ ना हो, तू कुछ ना हो। हर दम ही फिकर रा बकुन मन नीस्तम मन नीस्तम मन नीस्तम, हर दम ई फिकर रा बकुन, हर दम ई फिकर रा बकुन मन नीस्तम मन नीस्तम मन। अगर तू फकीर है, अगर फकीर बाशद ता ही फिकर में कुनत, अगर तू फकीर है तो फिर ये फिकर रख कि मैं नहीं हूं। पीर साहब जब जिक्र कराते थे ना ये फिक्रा बोलते थे, ये जुमला जनाब बोला करते। तो और अगर तेरा कुछ है, अगर तू समझता है कि मेरा कुछ है तो फिर ये ख्याल करके वो तेरा नहीं है। पहले तो ये ख्याल कि तेरा है ही कुछ नहीं, और ख्याल आ जाता है फिर भी इंसान है, नफसानियत है, बशरियत है, तो फिर ख्याल कर है चलो नज़र आ रहा है मेरा नहीं है, फिर भी बात ही ख़त्म कर दी ना। क्या आ गया मकामे ला नफ़ी, मकामे ला नफ़ी आ गया। फिर फरमाते हैं कि मैंने दरवेश को देखा, फिर अच्छा जब वो गया तो सीधा जो है वह हजूर की बारगाह में अर्ज करता है। और फकीर हो अल्लाह वाला हो जिसको हजूर रोटी दे रहे हैं, क्या वो खुद खाली था? क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? तो पता चला अल्लाह वालों का भी ये दस्तूर रहा है कि जब तलब पड़ती थी तो दस्ते तलब दराज होता था चौखटे मुस्तफ़ा पर, दस्ते तलब दराज होता था चौखटे मुस्तफ़ा पर। तो वहाँ उसने कहा सरकार भूखा हूँ। फिर सरकार ने क्या कर्म किया कि अब वो सोया हुआ है, हजूर आए रोटी दे गए ख्वाब में, अब वो खा भी रहा है, उठा और हजूर ने ये बता दिया कि जब मैं ख्वाब में हूँ तो मेरी ख्वाब सच्ची होती है, जब ख्वाब में आए मेरे आका करीम तो वो समझो ख्वाब सच्ची है, जब आए तो रोटी दी, अब वो रोटी खा रहा है, उठा तो मुंह में एक निवाला है और हाथ में गोया ब नफ्से नफीस, अपने पाक जिस्म के साथ मेरे नबी आए और उसके नबी आए, प्यारे नबी आए, अल्लाह के प्यारे महबूब नबी आए, और उन्होंने रोटी दी और उसने खाई आधी हाथ में आधी मुंह में, और वो बाकी जो बची थी वो भी उसने खा ली। पता चला कि सरकार से मांगा जाए सरकार देते हैं और खुद अपने जिस्म पाक के साथ आके देते हैं, ऐसे ख्वाब नहीं दिखा देते। अगर सरकार का ख्वाब हो तो सच्चा होता है और हो के रहता है। ख्वाब में आए सच्चा था, हो के रहा, रोटी दी खाई भी, बाकी बच गई वो भी खाई, और ऐसी खाई सारी जिंदगी 40 साल हो गए भूख लगी कोई नहीं, भूख लगी कोई नहीं है। ये है फकर, फकर फकर, ये है फकर, फकीर इसको कहते हैं। न भूख न प्यास, सिर्फ एक साजन पास, न भूख न प्यास, यार कोल है, साजन कोल है, माही कोल है, मुर्शिद कोल, रहबर कोल है, हादी कोल है, साजन कोल है, न खाना तो न पीना है। ये फिर इन लोगों की ये बात होती है। मैं ये चाहूँगा कि शायद ये सुन के किसी के मुंह से ऐसी दुआ निकल जाए कि अल्लाह पाक करम की और बारिश कर दे, किसी के मुंह से ऐसा प्यार का जुमला निकल जाए कि दिल को और नशा चढ़ जाए, दिल को और तस्कीन मिल जाए। हाँ, क्योंकि जो आशिक होता है ना, जब वो दिल से हाँ निकालता है, अच्छी निकाले तो काम बन गया, बुरी निकाले तो फिर हर चीज़ चौपट हो गई। तो जब आप लोग खुश होंगे, इनमें कई प्यार करने वाले बैठे हैं, तो प्यार से जब अच्छी एक हाँ निकलेगी तो उसे सवाब तो होगा ही होगा, लेकिन दिल को बड़ी तकवियत मिलती है और दिल को बड़ा नशा मिलता है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो आज की ये जो नशिस्त थी ये तसव्वुफ़ पर मबनी थी, सारा बयान है तसव्वुफ़ का,
कि बैत ज़रूरी है या नहीं, आपको समझ आ गई, इसकी अहमियत है या नहीं समझ आ गई। और किताब भी मैंने वो चूज़ की है जिस पर किसी को इतराज़ नहीं है, कोई इधर वाला हो या उधर वाला हो, इन बातों को तो मानना ही पड़ता है। यही बात हम करते हैं, यही बात सारे करते हैं कि शरीयत और तरीकत को समझना और बैत को समझना ये सारा कुछ ज़रूरी है। शरीयत और तरीकत एक है, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, शरीयत की अगली फॉर्म का नाम तरीकत है, उसकी अगली शक्ल का नाम हकीकत है, उससे अगली शक्ल का नाम मारफत है। तो इसकी अच्छी तरह पूरी वजाहत कल भी इंशाल्लाह इसी पे बात फिर करेंगे। फिर आखिर में कल एक नात जो मैंने किसी वक्त पहले लिखी थी, वही नात जो है फिर वो उसको मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि गला साथ दे तो ये बात होती है, जो तरन्नम में पढ़ना होता है ये गले का कमाल होता है। सारा इंसान का गला सेट हो तो फिर ये आवाज़ निकलती है। बहरहाल दिल से जो निकले वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ। मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा। मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ। राज़े अज़ल से तो तेरा हूँ, हूँ राज़े अज़ल तो तेरा हूँ, अफसाना हूँ तो तेरा हूँ। हूँ राज़े अज़ल तो तेरा हूँ, अफसाना हूँ तो तेरा हूँ। बर्बाद किया बर्बाद हुआ, बर्बाद किया बर्बाद हुआ, आबाद किया आबाद हुआ, आबाद किया आबाद हुआ। दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, काशाना हूँ तो तेरा, काशाना हूँ तो तेरा हूँ। तू मेरे कैफ की दुनिया है, तू मेरे कैफ की दुनिया है, तू मेरे कैफ की दुनिया है, तू मेरी हस्ती का आलम। पैमाना हूँ तो तेरा हूँ, पैमाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ। कहता है हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का तस्वीर है तेरी सर
तापा हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का तस्वीर है तेरी सर तापा ओ काबाए दिल ढाने वाले ओ काबाए दिल ढाने वाले बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ ओ काबाए दिल ढाने वाले बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ दीवाना हूँ तो तेरा